अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखो, इसका अगर हम डिफरेंशियल करें तो हमें ये मिल जाएगा, टू के साथ मिलेगा, टू कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x को टी। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ई की पावर 2x, 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 प्लस, इसका डिफरेंशियल करेंगे ई की पावर -2x, -2x का डिफरेंशियल करेंगे तो -2 इज इक्वल टू dx के साथ dt। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x dx इज इक्वल टू dt। dx हो जाएगा 1/2 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x dt। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। देखो इसको तुमने t मान लिया, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो अभी, -2x/t। और dx यहाँ पे होगा, dx की जगह पर रख देंगे 1/2 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x डी टी। ठीक है, यानी ये जो हमारा दिए रखा था इस तरह से, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। ये जो है इससे कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/t और ये नीचे 2। इस 2 को तो हम पहले लिख लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। t की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा log t की वैल्यू है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा।